रघुगणे ततपसान याति न चेज्जया निर्वपराद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्निशूर्ये बिना महत पाद रजो विसेकम। सूर्य को दिया हुआ जल भी शायद सिद्ध न हो यदि तो आपने अपने गुरु की चरण धूलि को माथे पर नहीं लगाया है, यदि तो इस माथे की शोभा गुरु की चरण धूलि ने नहीं ली है, तो फिर आपके किए हुए अनेक कर्म आपके लिए फलदायी नहीं होंगे। भागवत कहती है ऐसा, क्योंकि जो वैकुंठ की चाबी है, जो ईश्वर की चाबी है, वो गुरु होने से खुलती है। किए गए अनेकों अनेक पुण्य वहां काउंटेड नहीं है, वहां गिने नहीं जाएंगे। बिना महत पाद रजो भी से कम, यदि उनकी रज से अपना अभिषेक नहीं किया है। नारद रत्नाकर को ज्ञान देने के लिए उन्होंने बंधन स्वीकार किया, गुरु ने अपने शिष्य को सुधारने के लिए बंधन स्वीकार किया। नारद रत्नाकर के पास पहुंचे, रत्नाकर ने कहा कि तू कहां जा रहा है साधु? उसने कहा कि तू मुझे इस वृक्ष से बांध दे, पर मेरे एक बात पूछ क्या, तू जो ये अपराध करता है, जो ये मारकाट कर रहा है, जो तू छल पूर्वक अनीति पूर्वक अन्याय से दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचा के जो तू ये संग्रह कर रहा है और जिससे जो तेरा कुटुंब भोग कर रहा है, क्या जब न्याय होगा यम के यहां और जब तेरी इन पापों की लिस्ट बनेगी और फिर वो तुझे जो भोगने पड़ेंगे, तो क्या इसमें तेरी पत्नी बच्चे तेरे माता पिता भागीदार बनेंगे क्या यम के उस दंड में? तो अपने गुरु को ज्ञान देने के लिए, शिष्य को समझाने के लिए गुरु ने जब ज्ञान देने की ठानी अपने शिष्य को कि मुझे इसे संवारना है, तो गुरु ने बंधन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा तू मुझे बांध इस वृक्ष से, और अपने घर पे पूछ गया कि जब यम के यहां तेरा हिसाब होगा तो क्या तेरे पत्नी और बच्चे इसमें भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर अपने गुरु नारद को बांधने लगा। नारद बोले कस के बांध, कहीं मैं छूट के ना चला जाऊं। रत्नाकर ने नारद को वृक्ष से बांध दिया। वो घर पे गया, अपनी पत्नी से पूछा मैं जो ये सारे अपराध करता हूं, नित्य जो चोरी करता हूं, मारकाट करता हूं, और इससे जो लाभ हो रहा है, जो मैं ये घूस लेता हूं, जो मैं अनैतिक धन लेता हूं, क्या जब मैं इसका पाप का भोग करूंगा तो तुम मेरी संगनी बनोगी? तो पत्नी बोली आप चोर हैं, आप ये संपत्ति चुरा के ला रहे हैं हमारे लिए, मुझे तो बड़ा दुख है कि मैं एक चोर की पत्नी हूं। रत्नाकर को बड़ा दुख हुआ। बच्चों से उसने कहा कि हे प्रभु आप लोग मेरे साथ आओगे? बालकों ने मुंह मोड़ लिया कि पिताजी हम नहीं आएंगे। बोले हमें तो अभी अभी पता चला कि मेरे पापा चोर हैं, हम एक चोर के पुत्र हैं। माता पिता के पास गया, हे भगवान आप मेरे पाप में भागी बनेंगे क्या? माता पिता बोले हमें तो बड़ा ग्लानि महसूस हो रही है कि हमारा पुत्र ऐसा अपराधी है, ऐसे छल पूर्वक कार्य करता है। रत्नाकर रो उठा, बिहल हो उठा कि जिनके लिए मैंने अपराध को सहज अंगीकार कर लिया, जिनके लिए मैंने अपने जीवन पे इतना बोझ ले लिया, जिनके लिए मैंने इतना मिथ्या भाषण किया, इतने लोगों के हृदय दुखाए, न जाने अनीति और पाप से मैंने कितना बड़ा संग्रह किया, और उसके बदले में मुझे आज भोगना तो बात की बात है, कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। वो रोता हुआ
रत्नाकर नारद के पास पहुंचा और वो गुरु के बंधन खोलने लगा रोता हुआ, उनके चरणों में गिर गया, बोला धन्य है गुरुदेव, आपने मुझे रास्ता दिखाने के लिए, एक भटके हुए को दिशा बोध कराने के लिए बंधन स्वीकार किया। बुद्ध से सब लोग कह रहे थे उस तरफ मत जाना, अंगुलीमाल बड़ा खतरनाक है, वो पहले गर्दन काटता है, उसे रक्त से स्नान कर लेता है, फिर एक उंगली काट के माला पहन लेता है। लेकिन बुद्ध ने अंगुलीमाल के दुर्वचन इसलिए सुन लिए कि ये सुवचन बोल सकता है। बुद्ध ने कहा मैं अंगुलीमाल के हृदय को कुरेदूंगा जरूर, जब मैं कुरेदूंगा तो अंदर मुझे पता है कि ये नारायण की संतान है, तो इसमें निश्चित ही अंदर सुवचन छुपे हुए हैं जो मौन पड़े हैं। ये ऊपर से बड़ा कठोर है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापी है, लेकिन इसके अंतःकरण में नारायण का भाव जरूर छुपा होगा। तो गुरु जब एक आतताई दस्यु के पास गए और उसका हृदय कुरेदने लगे, बोला कि तू ये वृक्ष की डाल काट दे। उसने पूरा वृक्ष का एक बड़ा हिस्सा काट दिया, उसने कहा इसे जोड़ दे। बोला मैं सिर्फ काटना जानता हूं, जोड़ना नहीं जानता। उसने कहा जब तो तू जोड़ना नहीं जानता तो तू काट क्यों रहा है? तू जो इतने अपराध कर रहा है, यदि तुझे इनका बोध नहीं है कि कितना बड़ा अपराध है, तो फिर तू ऐसा पाप कर कैसे सकता है? अंगुलीमाल को बड़ा आभास हुआ कि मैंने इनको कितने कठोर वचन कहे, कितने दुर्वचन कहे, लेकिन धन्य गुरुदेव, आप मुझे दिशा देने के लिए मेरे कठिन वचनों को सुन रहे हैं। मैंने आपके साथ अभद्रता की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं सद्मार्ग पर चलूं, आप मुझे सुन रहे हैं। आज जड़ भरत अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए, अपने शिष्य के भटकाव को दूर करने के लिए उसकी पालकी के कहार बन गए, उसकी पालकी के कहार बन गए। रघुगण ने कहा कि मैं अभी तुझे दंड दूंगा, तू पालकी को अच्छे से नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने कहा तू मुझे दंड नहीं दे सकता, क्योंकि न मैं शरीर हूं, न मैं मुख हूं, न मैं जिब्या हूं, न मैं कोई अंग हूं, न मैं भोजन हूं, न भोक्ता हूं,